हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं एक और लेके आई हूँ ऑनलाइन शॉपिंग की वीडियो। ये मैंने तीमू से ऑनलाइन शॉपिंग की थी और जी वहाँ से ये मैंने बाय किए सैंडल्स, जो कि बहुत ही प्यारे लेदर में थे और ये इतने सॉफ्ट और बड़े ही कम्फर्टेबल थे। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में उनकी क्वालिटी भी जी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी। और इसके अलावा ये मैंने स्लीपर्स बाय किए थे टॉयलेट के लिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि ये मैंने मंगवाए थे। और ये भी मैंने एक और पेयर मंगवाए अपने ससुराल के लिए और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे थे। और जिसके अलावा ये मैंने स्टॉलर बाय किए थे और ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छे निकले थे। मुझे लग रहा था कि जो इसका स्टाफ है वो खुरदरा सा या इतना मज़े का नहीं होगा, लेकिन ये इतना नरम मुलायम और सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा था ना। ये देखिए इसके साइडों पे टसल भी लगे हुए हैं, फिर कितना प्यारा प्रिंट है। और मैंने इसको इसके बाद वॉश भी किया था यूज़ करने के बाद, और उसके बाद इसका कलर भी जो है ख़राब नहीं हुआ और कपड़ा भी बिल्कुल ठीक रहा है। तो मतलब धोने के बाद ये और निखर के जो है ना इसका सामने ये नहीं कि इस पर बुर आ जाए या ख़राब हो जाए। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और ये आई थिंक 3-4 यूरो थे। उस लिहाज से इनकी क्वालिटी में कितनी ज़बरदस्त है। ये आप लोग अगर बाई करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इनका स्टफ़ जो है अच्छा था। और इसके अलावा ये जी मैंने एक और स्टॉलर भी बाई किया था, मैंने टोटल जो है 2 स्टॉलर लिए थे। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसका जो है प्रिंट और जो इसका क्या कहते हैं कलर। और इसको भी मैंने यूज़ किया है और इसको भी तक मैंने धोया नहीं है, लेकिन ये भी मतलब कपड़ा जो है ना पकड़ के हाथ में पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छा निकलेगा। और इसका स्टफ़ बता रहा था कि ये भी अच्छा है। और इसके साइडों भी देखिए टसल लगे हुए हैं। और अच्छा ये ना समर स्टफ़ है, गर्मियों के लिए ये बेस्ट है ना, इतने ज़्यादा ये मोटे हैं ना ये पतले, यानी कि जो कपड़ा है जो है समर स्टफ़ है इसका। और इसके अलावा जी ये मैंने सॉक्स भी बाई की थी ये डिफरेंट कलर्स में, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये देखिए इस पर इस तरह से ना इन पर कढ़ाई हुई है। और आई थिंक ये सॉक्स जो है 5 का पेयर थी और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना उसमें रिस्की होता है कि खासतौर पर जो कपड़े और जूते हो गए कि वो पता नहीं किस तरह के निकले। पाँच दफ़ा ऐसे होता है कि वो अच्छे नहीं बनते, ज़्यादा दफ़ा ही मोस्टली ऐसे होता है कि अच्छे नहीं निकलते। लेकिन जो है ना ये शॉपिंग करके मुझे मज़ा ही आ गया था, इनका स्टफ़ और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये देखिए आप सॉक्स, आपको पता चल रहा होगा कितनी ये ज़बरदस्त थी। इसके अलावा जी ये मैंने 2 शर्ट्स भी ऑर्डर की थी, ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त थी। इनकी जो है स्टिचिंग भी बड़ी अच्छे से हुई हुई थी और इनकी क्वालिटी और इनका जो कपड़ा है वो स्टफ इनका बहुत ज़्यादा जो अच्छा था। तो ये दोनों मुझे शर्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इसकी जी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना उसमें ये भी रिस्क होता है कि जो कपड़े सिलाई किए हुए होते हैं ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, मतलब डिले डिले से और वो धागा खींचो तो सारा ही मतलब तरसा जाता है। लेकिन ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था और इसका जो साइज़ प्रॉब्लम वो भी नहीं था, साइज़ के लिहाज से भी जो मुझे चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट था। और इसके अलावा जी ये मैंने मंगवाए थे टेम्परेरी टैटू स्टिकर, या इनको आप कह सकते हैं कि हिना टैटू, हिना इसको इस नाम से भी है। तो ये भी मैंने मंगवाई थी और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा ये वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ है और ये मैंने यूज़ भी किया था इनमें से एक, और मेरे आराम से 4-5 दिन गुजर गए थे। लेकिन जो जहर से बात है मदर्स हैं वो बार बार जहर से बात है वाटर का यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन जो बच्चियाँ हैं या लड़कियाँ वगैरह तो उनका तो आई थिंक 1 वीक से ज़्यादा भी आराम से गुजर सकता है ये। और अच्छा ये मैंने 3 पैक मंगवाए थे और एक में तो एक ही था और बाकी जो थे उनमें जब खोले तो मैं समझी ये एक है, लेकिन जब खोले तो उनमें 3-3, 4-4 थे और मैं हैरान रह गई कि वाओ मैं तो एक ही समझ के मंगवाया था। उस लिहाज से ये प्राइस के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त थे ये भी, और क्वालिटी वाइज ये भी गुड थे। तो ये भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर बाय करें, बड़ा ही ईजी और चटपट होने वाला ये काम है। उसको लगाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस जस्ट आपने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट जो है रिमूव करनी है, उसके बाद आपने इसको अपने हाथ के ऊपर रख के और वाटर स्प्रे करना है और उसके अच्छी तरह से टिश्यू के साथ टैप टैप करके थोड़ा खुश कर लें, वाटर जो है ज़्यादा हो गया, उसके बाद आप उसको खींचेंगे स्लोली स्लोली तो ये बस अटैच हो जाएगी और बहुत ही प्यारा लगता है, पता ही नहीं चलता कि हमने जो है स्टिकर जो है वो लगाए हुए हैं। उसके अलावा जी ये भी मैंने सैंडल मंगवाए थे अच्छा गिफ्ट करने के लिए और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे क्वालिटी वाइज। उसके साथ मैंने मैचिंग पर्स भी था, ये मैंने गिफ्ट करने थे तो ये भी मैंने ले लिए, तो ये मुझे पसंद आए थे तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। और ये देखिए इसके साथ जो है बैग है एक, और जो बैग है इसकी भी लेदर जो देखने में लग रहा था अच्छी है और इसके जो क्वालिटी वाइज ये भी बहुत ज़बरदस्त था। और ये जो है वीडियो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये जो है लाइव अच्छा लग रहा था। और ये देखिए इसका इस तरह से स्ट्रैप भी दी हुई, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अच्छा के साथ जो शूज़ है और ये मतलब सेट नहीं था, ये मैंने खुद से मैच किया था, इतना परफेक्ट इसके साथ मैच हुआ था ना। और आजकल इस तरह चल भी बहुत फैशन रहा है कि बैग और जूतों का जो है आजकल मैचिंग मैचिंग, तो फिर इस तरह से मैंने इसका एक सेट बना लिया
और आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगा, और इस पार्सल को रिसीव करने के बाद मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी इस तरह से अपने लिए शूज़ और बैग जो है ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त था, और ये जो लाइव है ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वीडियो में आपको शायद इतना ना अच्छा लग रहा हो। और जी ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने की, और इसके अलावा मैंने और भी कुछ दो तीन चीज़ें मंगवाई थी, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ये है बेडशीट, चाहिए 3 का सेट थी यानी कि 2 पिलर्स और एक बेडशीट थी, और ये फिटेड बेडशीट थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं काफ़ी टाइम से ये देख रही थी कि मुझे मिल जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ना इस तरह से जो कलर की मिक्सिंग है और ये प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फाइनली मुझे तीनों पर नज़र आई, तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया, और इसका जो स्टफ़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, और ये फिटेड बेडशीट है, बेड पे आराम से फिट हो जाती है, उसके बाद बच्चे उछलने के लिए जो मर्जी करें ये गट्ठी नहीं होगी। और ये देखिए मैं भी आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको जो है उन्होंने सिलाई किया हुआ है, और अच्छा इसको मैंने जो है यूज़ करने के बाद वॉश भी किया, और इसका कोई कलर नहीं उतरा और ना ही इसका कपड़ा जो है वो ख़राब हुआ है, और ये क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मतलब धोने के बाद जो और ज़्यादा निखरा निखरा लग रहा था। ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा जब हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो उनमें जो डार्क कलर वाली चीज़ें होती हैं उनका तो डर ही आ रहा होता है कि कहीं कलर ना उतर जाए या बेडशीट इस तरह से कोई भी चीज़ ख़राब ना निकले, लेकिन ये क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये देखिए इस तरह से फिटेड है, इसके साइडों पे जो उन्होंने इलास्टिक डाला हुआ है, तो ये मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये भी मैंने बाई कर ली। अच्छा जो इसके पिलो है ना वो लंबाई में तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन चौड़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर मैंने एक एक सिलाई लगा ली थी साइड्स पे, तो बिल्कुल अच्छे से फिट आ गए थे। और इसके अलावा जो बेडशीट के चारों साइड हैं वहाँ पर भी एक एक सिलाई लगी हुई थी, और जो साइडों पर प्लास्टिक डाली हुई थी जिसकी वजह से बिल्कुल परफेक्ट जो है फिट आ रही थी, और मैंने अपने बेड की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मंगवाई थी। तो ये बस आपने ध्यान रखना है कि अपनी बेड की मेजरमेंट्स जो है वो उसके मुताबिक आपने मंगवाना है। और इसके अलावा जी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने फूड को कवर करने के लिए मंगवाए थे, और ये 100 के पीस थे, और ये देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल और उनके साइड में प्लास्टिक है, तो ये मुझे बहुत यूज़फुल चीज़ लगी, तो ये भी मैंने बाई कर लिए, और ये आप लोग भी ज़रूर मंगवाइएगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे हैं। जैसे हमने फ्रिज में कोई बचा हुआ खाना रखना हो या किसी घर कोई चीज़ भेजनी हो तो उसको कवर करके तो इस तरह से भेज सकते हैं, और जो ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं, और इसके अलावा आसानी से ये जो फिट आ जाते हैं ऊपर। और जो इसके अलावा ये जिनके लिए मैंने मंगवाया था वाइपर, और इसके साथ थी बोतल, यानी हम इसके लीवर डाल के तो स्प्रे करके तो अच्छे से जो अपनी मिरर वगैरह साफ़ कर सकते हैं, तो ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी, तो ये भी मैंने बाई कर ली। ये देखिए इस तरह से है, और जिसके साथ स्पंज स्क्रबर भी लगा हुआ है जिसकी मदद से हम स्प्रे करके अच्छी तरह से शीशे को पहले स्क्रब कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इसको वाइपर की मदद से हमने जी आराम से क्लीन कर लेना है। ये बड़ा ही हैंडी और इजी टू यूज़ है, एंड आई होप सो कि आपको ये मेरी ऑनलाइन शॉपिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।